कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और लाखों लोगों को अपने जादुई स्पर्श से स्वास्थ्य का अनमोल सुख प्रदान करने वाले मुस्कुराहट भरे महान व्यक्तित्व का नाम डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर है। सादगी और अपनेपन की मिसाल बनकर उभरे डॉक्टर पाराशर कहने को तो चिकित्सक थे, लेकिन दुनिया आपको जादूगर मानती थी। माने भी क्यों ना, आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण था। जो भी आपसे मिलता पूरी उम्र के लिए मानो आपका ही होकर रह जाता। मंद मंद मुस्कान के साथ वे जिस तरह रोगियों का इलाज करते थे, कितना भी दर्द लिए कोई भी रोगी क्यों ना आया हो, लौटते हुए मुस्कुराता ही रहता था। आपके स्पर्श मात्र से दर्द गायब हो जाया करते थे। डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर जैसे बिरले व्यक्तित्व के धनी सदियों में जन्म लेते हैं। वे अपने कुल अपनी परंपरा के ऐसे सपूत थे जिन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा को और अधिक विस्तार देने, उनमें चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने अपने दादा स्वर्गीय चुन्नीलाल पाराशर और पिता स्वर्गीय सावरलाल पाराशर जी की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरागत अस्थि विद्या की तालीम को पूरी दुनिया तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल की। कहना जितना आसान होता है, असल जीवन में उसे अमली जामा पहनाना उतना ही चुनौती भरा होता है। डॉक्टर पाराशर इस मामले में अनूठी मिसाल बनकर उभरे। आपने सदैव अपने बुजुर्गों के नाम और काम को अपने साथ आशीर्वाद की तरह संजोए रखा। आपने जीवन में एक ही सपना देखा, गरीब रोगियों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा कैसे मिले, वो भी नाम मात्र के शुल्क पर। हड्डियों और मांसपेशियों के रोग या उनमें होने वाले दर्द ऐसे दर्द होते हैं जो शरीर में दिखते नहीं हैं, पर पूरे शरीर में बेचैनी बढ़ा देते हैं। साथ ही दर्द के बढ़ते जाने पर पूरा जीवन भी दर्दमय हो जाता है। आपने इस बात में सदा विश्वास किया कि अस्थि स्थापन विद्या बहुत ही कारगर और सुगम चिकित्सा पद्धति है। इस पद्धति से आपने इलाज की ऐसी परिभाषा गढ़ी कि रोगियों की दुनिया में आपको भगवान सी इज्जत मिलने लगी। रोगियों में आपके लिए इतना विश्वास था कि यदि आप दर्द वाले स्थान पर हाथ रख लेंगे तो भी दर्द खत्म हो जाएगा। हमको तो डॉक्टर पाराशर जी को ही दिखाना है, हम तो उन्हें ही दिखाएंगे, हम उनका नाम सुनकर आए हैं। ऐसी बातें उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। कुमारिया कुआ क्षेत्र में एक छोटे से कमरे में अपने पिता के साथ रोगियों की सेवा का सिलसिला शुरू करने वाले डॉक्टर पाराशर की ख्याति दिनों दिन बढ़ती चली गई। 31 मई 2007 को उन्होंने अपने पिता की स्मृति को स्थायी बनाए रखने के लिए श्री सावरलाल ऑस्टियोपैथ चैरिटेबल संस्थान की स्थापना की, अपने माताजी अयोध्या देवी के आशीर्वाद के साथ। डॉक्टर पाराशर मानते थे कि चिकित्सा सेवा से जुड़े सेवाभावी लोगों का अपना कोई निजी जीवन नहीं होता, वह जनता के स्वास्थ्य के लिए जीते। अपने जीवन की अंतिम सांस तक उन्होंने रोगियों का उपचार ही किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद ने आपको आयुर्वेद रत्न की उपाधि प्रदान की। इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन ने 12 मई 2003 को डॉक्टर ऑफ मेडिसिन अल्टरनेटिव मेडिसिन के अवार्ड से नवाजा। न्यू एज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने 9 अप्रैल 2006 को गोल्ड मेडल से आपको नवाजा। होलिस्टिक हीलिंग ऑस्टियोपैथी के क्षेत्र में हारमोनी डिग्री डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथी प्रदान की गई। अल्टरनेटिव मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कनाडा ने 17 अगस्त 2008 को फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम 2000 अवार्ड से आपको नवाजा। 23 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान पेरिस में आपको प्रदान। शायद ही देश दुनिया का कोई ऐसा सम्मान हो जो उन्हें ना मिला, और शायद ही कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति हो जो उनके जादुई स्पर्श से अछूता रह पाया है। देश के वंचित वर्ग से आने वाले रोगी से लेकर हर क्षेत्र की सर्वोच्च हस्ती तक के दर्द को आपने मिटाया। रहती दुनिया तक आपके द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में किए गए योगदान को ये दुनिया हमेशा याद रखे। दुनिया के हर कोने से लोग जब दर्द सहते सहते थक जाते हैं तो वो डॉक्टर पाराशर के नाम की ख्याति सुनकर जोधपुर आते हैं। पहले भी आते थे, आज भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। डॉक्टर पाराशर भले ही आज हमारे बीच ना, उनका आशीर्वाद और उनके सानिध्य में तैयार हुए उनके शिष्य उनकी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों के दर्द का
निवारण कर रहे हैं। उनके भाई डॉक्टर नंद किशोर, बेटे डॉक्टर गिरिराज, डॉक्टर हेमंत और उनके विचारों में विश्वास करने वाली पूरी टीम उनके संकल्पों को मूर्त रूप देने में जुटी हुई है। श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथ चैरिटेबल संस्थान, हम प्रणाम करते हैं डॉक्टर गोवर्धन लाल पाराशर जी को।